बढ़िया कॉलोनी में, खूबसूरत कॉलोनी में जो पूरा घर है, खूबसूरत तरीके से आपको डाइनिंग स्पेस पूरा बनाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भदौरिया और आज आपके बीच में एक 900 स्क्वायर फीट का जो घर है बेहतरीन लोकेशन का, वो आपके बीच में लेके आए हैं। लखनऊ में शहर के अंदर का ये पूरा जो मकान है, इसको आप देखिए तो 20 इसका आपको फ्रंट पड़ेगा, 45 इसकी डेप्थ पड़ेगी, सामने आपको 22 फीट की जो आपको रोड है वो आपको 22 फीट की रोड मिलेगी। तो अंदर से देखते हैं किस तरीके से ये पूरा जो घर है ये बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि मेन गेट पे आपको लोहे का बढ़िया सा जो ये दरवाज़ा है, गेट है, ये आपको पूरा लगा हुआ आपको पूरा नज़र आएगा। अंदर आप देखेंगे पार्किंग स्पेस, काफ़ी बड़ा सा आपको पार्किंग स्पेस है। इस पार्किंग स्पेस में किसी भी तरीके की आप कोई भी जो बड़ी गाड़ी है वो आपकी इजिली पार्क हो जाएगी। बेहतरीन तरीके से आपको पूरा घर बना हुआ है। पार्किंग देखिए, बढ़िया तरीके की पार्किंग आपकी बनी हुई है। पार्किंग में पूरी तरीके से आपको जो मार्बल है वो पूरा आपको लगा हुआ आपको पूरा नज़र आएगा। इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इंडियन स्टाइल का आपको जो वॉशरूम है ये पूरा वॉशरूम आपको मिल जाएगा। सारी एसेसरीज आपको बढ़िया क्वालिटी की, बढ़िया कंपनी की सारी आपको लगी हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे आप हैंड वॉश के लिए, यहाँ पे आपको हैंड वॉश करने के लिए लगा हुआ है। इंडियन स्टाइल की आपको पूरी सीट है, 7 फीट तक आपको पूरी टाइल्स लगी हुई है, शावर लगा हुआ है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से ये आपको लगा हुआ इसमें नज़र आएगा। बढ़िया क्वालिटी का ये डोर भी आपको पूरा नज़र आएगा। इस तरफ आप देखेंगे पूरी तरीके से कवर्ड आपको दिया हुआ है, लोहे का पूरा आप यहाँ पे जो सारा काम है ये पूरा नज़र आएगा। अगर इसके ड्राइंग रूम की बात करी जाए तो देखिए किस तरीके से आपको ड्राइंग रूम जो है बहुत खूबसूरत तरीके से पूरा ये ड्राइंग रूम आपको नज़र आएगा। बढ़िया से आपको सारे दरवाजे जो हैं वो आपको बने हुए नज़र आएंगे। पेंट बढ़िया क्वालिटी का है। फिनिशिंग देखिए कितनी खूबसूरत तरीके का, ये जो पूरा घर है ये पूरा आपको पूरा नज़र आएगा। ऊपर में आपको पूरा फॉल सीलिंग का पूरा काम मिलेगा, नीचे बेहतरीन तरीके की आपको जो टाइल्स हैं वो सारी मजबूत बढ़िया क्वालिटी की सारी जो आपको टाइल्स हैं वो आपको मिलेंगी। इस तरफ आपको विंडो जो है वो आपको मिल जाएगी, चाहे आप विंडो एसी लगाना चाहें या स्प्लिट एसी लगाना चाहें, किसी भी तरीके की आप यहाँ पर स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। एसी के आपको पॉइंट्स मिलेंगे। खूबसूरत तरीके से आपको पूरा जो ये ड्राइंग रूम है ये पूरा आपको नज़र आएगा। इस तरफ आप देखेंगे कि आपको बड़ा सा आपको जो डाइनिंग स्पेस है आपको यहाँ पे मिलता है। खूबसूरत तरीके से आपको डाइनिंग स्पेस पूरा बनाया हुआ है। ऊपर आपको पीओपी का जो पूरा काम है वो पूरा आपको हुआ नज़र आएगा। नीचे आपको टाइल्स की बढ़िया सी आपको फिनिशिंग जो है ये आपको मिल जाएंगी। इस तरफ आप देखेंगे कि किचन जो है सारी एसेसरीज लगी हुई सारी आपको किचन मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको इस तरफ आपको विंडो मिल जाएगी। बढ़िया तरीके का यहाँ ब्लैक मार्बल जो है वो सारा आपको लगा हुआ आपको पूरा नज़र आएगा। इस घर में एंट्रेंस के लिए आपको 2 डोर मिल जाएंगे। इस तरफ आपको वुडन का बढ़िया क्वालिटी का मेन एंट्रेंस डोर मिल जाएगा और ड्राइंग रूम से भी आपको ये डोर 2 डोर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखते हैं किस तरीके से इसका जो बेडरूम है वो बना हुआ है। तो इस घर का ये आपको पहला बेडरूम देखिए किस तरीके से खूबसूरत सा आपको बेडरूम जो है पूरा नज़र आएगा। ऊपर जो आपको पीओपी का जो पूरा काम है खूबसूरत तरीके से हुआ आपको पीओपी का पूरा काम मिलेगा। यहाँ आपको विंडो जो है आपको दे रखी है, बड़ी सी आपको विंडो मिल जाएगी तो नेचुरल लाइट में किसी भी तरीके की यहाँ आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। सारी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ घर है। नीचे की आप फिनिशिंग देखिए, बहुत मजबूत क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी के सारे जो टाइल्स हैं वो आपको हुए आपको मिल जाएंगे। इस तरफ आपको देखिए ओटीएस का एरिया, पहला ओटीएस का एरिया इस तरफ आपको मिल जाएगा। नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको हैंड वॉश करने के लिए जो आपको वॉश बेसिन यहाँ पे वो आपको दे रखा है, बढ़िया खूबसूरत तरीके का आपको वॉश बेसिन जो है यहाँ आपको लगा हुआ मिल जाएगा। इसका जो दूसरा बेडरूम है आप देखिए किस तरीके से दूसरा बेडरूम है आपको नज़र आएगा। खूबसूरत तरीके से बेहतरीन तरीके का ये पूरा जो आपको यहाँ पे सारा आपको पेंट मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी का सारा आपको ये देखेंगे डिजाइन मिलेगा। ऊपर आपको पीओपी का जो पूरा काम है वो पूरा मिलेगा। टाइल्स की बढ़िया क्वालिटी की सारी फिनिशिंग मिलेगी। लाइट्स का बढ़िया काम इस घर में हो रखा है। खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ, बढ़िया तरीके से, मजबूत तरीके से ये पूरा जो घर है ये आपको पूरा नज़र आएगा। इस तरफ आप देखेंगे कि ओटीएस का आपको दूसरा जो एरिया है ये पूरा मिल जाएगा। अभी बारिश का मौसम है तो इसको कवर्ड करके रखा हुआ है ताकि अंदर पानी वगैरह ना आ सके। अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो इसको खोल सकते हैं, तो धूप और वेंटिलेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से रहेगा।
यहाँ आप देखेंगे कि इंग्लिश स्टाइल का पूरा वॉशरूम जो है आपको मिल जाएगा। वॉशरूम में सारी जो एसेसरीज हैं वो सारी आपको लगी हुई आपको पूरी पूरी मिल जाएंगी। बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको ये बनाया हुआ जो पूरा घर है ये पूरा नजर आएगा। अगर स्टेयर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि स्टेयर्स पे यहाँ पे आपको ब्लैक मार्बल पूरा जो है वो लगा हुआ आपको पूरा नजर आएगा। स्टील की आपको बढ़िया सी जो ग्रिल है वो पूरी लगी हुई नजर आएगी। बढ़िया क्वालिटी का सारा जो घर में पूरा काम है वो पूरा आपको हुआ आपको पूरा मिलेगा। यहाँ आपको देखेंगे कि पीओपी का पूरा जो काम है वो हो रखा है। ऊपर से चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से बाहर का एरिया दिखता है, आसपास का एरिया किस तरीके से पूरा एरिया दिखता है। ये जो पूरा घर है आपको मजबूत पिलर्स पे आपको पूरा घर बना हुआ नजर आएगा। 900 स्क्वायर फीट का ये जो बेहतरीन सा बढ़िया सा आपको पूरा जो घर है ये पूरा बना हुआ नजर आएगा। ये जो घर है अगर इसके लोकेशन की बात करें तो आसपास देखेंगे कि पूरी तरीके से डेवलप कॉलोनी में घर है, पूरी तरीके से बसी बसाई कॉलोनी में घर है। बुद्धेश्वर चौराहा के पास का बिल्कुल घर है। हरदोई बाईपास रोड जो है उसके पास का ये जो पूरा घर है ये आपको 900 स्क्वायर फीट में मिलेगा। चारबाग की डिस्टेंस की बात करी जाए तो चारबाग यहाँ से आपको 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा। एयरपोर्ट आपको 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा। अवध चौराहा जो है वो यहाँ से आपको 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको अवध चौराहा मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको आगरा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। और जो न्यू आउटर रिंग रोड है वो आपको 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको न्यू आउटर रिंग रोड जो है पूरी आपको मिल जाएगी। पूरी तरीके से आप कॉलोनी देखिए, पूरी तरीके से खूबसूरत कॉलोनी में, बढ़िया कॉलोनी में ये पूरा जो घर है ये आपको पूरा नजर आएगा। अगर फाइनेंस की बात करें तो इस घर पे इजीली आपको फाइनेंस हो जाएगा। फाइनेंस में किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। घर के प्राइस की बात करें तो जिस तरीके का खूबसूरत ये घर है, बढ़िया कॉलोनी में, खूबसूरत कॉलोनी में जो पूरा घर है ये मात्र आपको 45 लाख रुपए में ये पूरा घर जो है ये आपको मिल जाएगा। 10% देके आप अगर फाइनेंस कराना चाहते हैं, 10% अमाउंट देके आप इस घर को फाइनेंस करा सकते हैं। तो आपने एक खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ, बढ़िया तरीके से बनाया हुआ आपको पूरा घर ये नज़र आएगा। अगर इस घर को आप विजिट करना चाहते हैं तो जो दिया हुआ नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, उस घर की विजिट के लिए आ सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल भी अगर आपको जाननी है तो भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपको और अधिक वीडियो देखने हैं अलग अलग साइजेस के, अलग अलग बजट के, तो प्रॉपर्टी ग्रह चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। आपके बीच में इस तरीके के घर हम अलग अलग जगहों के लेके आते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी ग्रह के वीडियो पसंद आते हैं तो प्रॉपर्टी ग्रह चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बीच में इस तरीके के बेहतरीन, बढ़िया, खूबसूरत घर हम आपके बीच में अलग अलग जगहों के लेके आते रहते हैं। थैंक यू।